हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील अटोकार। सो आज आप सभी के सामने पेसे टाटा नेक्सॉन, ये अपने सेगमेंट की बेहतरीन से टॉप सेलिंग सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार। एंड आज आप लोग यहाँ पे देखने वाले नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट को, जो आपके सामने खड़ा है क्रिएटिव ओशन कलर में, क्योंकि ये कलर आपको इसी वेरिएंट के साथ यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अगर आप भी 8 लाख से लेके 15 से 16 लाख की रेंज में कोई बड़े से 5 स्टार रेटेड एसयूवी कार सर्च कर रहे हैं, जिसमें आपको डीजल पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन मिल जाएँ, इसी के साथ काफ़ी ढेर सारे फीचर्स, तो आप जा सकते हैं इस कार के साथ। इसमें आपको टोटल 4 वेरिएंट्स मिलते हैं इसका, जो स्टार्टिंग रहेगा स्मार्ट, देन उसके बाद मिलेगा प्योर, देन मिलता है ये वाला क्रिएटिव, उसके बाद मिलेगा फेयरलेस। इन चारों वेरिएंट्स में भी कुछ आपको कस्टमाइजेशन वाले पैक देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है इसकी चाबी की, तो इस कार के साथ इस तरह कुछ यहाँ पर स्मार्ट सी की रहेगी, जिसमें देखेंगे लॉक अनलॉक बूट अनलॉक फॉलो मी अडम्स के बटन्स रहेंगे, पीछे रहेगा टाटा का लोगो, दो कीज आपको मिलेंगी, दोनों यहाँ पे स्मार्ट कीज देखने को मिल जाएंगी। एंड अब इसके बाद अगर इसे साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको अलॉयज भी यहाँ पे मिल जाते हैं, इसी के साथ ऑटो फोल्डेबल ऑप्शन मिरर्स, 360 कैमरा, अंदर जाएंगे टच स्क्रीन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, एंड और क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे वो भी आपको अंदर चल के दिखाएंगे पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले आप तो इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, एकदम मस्कुलर सॉलिड सी लग रही है ये एसयूवी कार। यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिएगा टाटा का लोगो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, पूरी इसके यहाँ पे फ्रंट ग्रिल, नीचे की तरफ देखेंगे तो 360 कैमरा आएगा, यहाँ पर रहेगी कैमरे की पेस पैंट, फ्रंट में आपको दो सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं इसके फ्रंट बम्पर में, टोइंग का ऑप्शन यहाँ पर रहेगा नीचे की तरफ, इसी के साथ यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स का सेटअप, ये आपको वाइट LED वाले मिलेंगे, हालांकि कोई भी फॉग लैम्प्स अगर आपको नहीं मिलते तो इनके साथ ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टी फंक्शनल यानी कि डुअल फंक्शनल आपको देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर NDRL जो दोनों भी बाई फंक्शनल यहाँ पे वर्क करेंगे। एंड इसके बाद नीचे देखेंगे तो लोअर ग्रिल पूरी रहेगी ब्लैक कलर की, इसकी प्लेट आपको मिलती है यहाँ पे व्हाइट कलर की, जैसे कि इसकी रूफ रहने वाली है, ये रहेगा इसका पूरा फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको इसमें मिलेगा 208 मिलीमीटर का। सो फ्रंट फेशियर वाइज एकदम तगड़ी जबरदस्ती रहने वाली है ये कार। आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर्स की प्लेसमेंट, एंड ऊपर देखते हैं तो व्हाइट कलर की रूफ, एंड यहाँ पर रहेंगे सिल्वर फिनिश में इसकी रूफ रेल्स। अब बात आती है गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इनके अलॉयस पे, तो यहाँ पे 16 इंच के आपको बेहतरीन से अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाएंगे, इसी के साथ साथ जो आपको उसमें वारंटी वगैरह मिलती है मिलेगी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की, जिसको चाहे तो फर्दर आगे भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देके। कंपटीशन की बात करें तो इस गाड़ी का सीधा सा महिंद्रा XUV 3XO, इसी के साथ मारुति ब्रेजा, किया सोनेट, ह्यूंडई वेन्यू जैसी गाड़ियों के साथ होता है। इसका क्या कहना है, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ साथ मस्कुलर लुक्स एंड काफ़ी ढेर सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं इस कार के साथ। तो पास से अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर 16 इंच के बड़े से अलॉय व्हील्स आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें टाटा का लोगो यहाँ पर रहेगा, आगे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, पीछे वहाँ पर रहेंगे ड्रम ब्रेक्स। टायर सेक्शन की अगर इनकी बात करें, कहाँ गया भाई, ये रहेगा टायर प्रोफाइल, 215 बड़े 60 और 16 इंचेस यानी कि 16 इंचेस के यहाँ पे मिलेंगे इसमें रेडियल के टायर्स। इतना कुछ यहाँ पे ट्रैवल ब्लैक कलर की देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्लाइडिंग, देन आउटसाइड मिरर्स आपको मिलते हैं ऑटो फोल्डेबल, जब भी गाड़ी को लॉक करेंगे तो इस तरह देखेंगे बड़े सा ये फोल्ड एंड अनफोल्ड हो जाएंगे। इसी में यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, 360 कैमरा आएगा, तो यहाँ पे भी देखेंगे दोनों आउटसाइड मिरर्स के नीचे मिलेगी कैमरे की प्लेसमेंट। ए पिलर पूरा ब्लैक कलर का, रूफ रेंस देखते हैं सिल्वर फिनिश में, यहाँ पे आपको दी गई है सनरूफ का ऑप्शन लेना हो तो, जैसे कि आप इसका क्रिएटिव प्लस वेरिएंट देख रहे हैं, क्रिएटिव प्लस एस में जाएंगे तो आपको उसमें सनरूफ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बी पिलर वगैरह पूरा यहाँ पर रहने वाला मैट ब्लैक फिनिश में। अब अंदर की भाई सब बात आती ना, एक झलक इसकी देखिए, ये इसका बड़े सा पूरा डैशबोर्ड का यहाँ पे व्यू, तो टच स्क्रीन रहेगी, 360 कैमरा रहेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा, 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे, स्टैंडर्ड डिजिटल रहेगा इसका पूरा क्लस्टर, और ये जो देख रहे हैं ना, ये भाई साहब इधर वाला एयरबैग ऑन ऑफ करने का आपको मिलता है ऑप्शन। यहाँ से इसमें से चाबी निकलेगी, जो ये यहाँ पर रहने वाली है ये, कि यहाँ से निकाल के चाहे तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अपना इधर वाला एयरबैग, जब भाई साहब यहाँ पे मान लीजिए कोई ना बैठा हो तब। इसको यहाँ पे करेंगे बंद, देन इधर आपको मिलता है फ्यूल फिलर कैप, जहाँ से इसमें डलवाएंगे पेट्रोल एंड डीजल। 44 लीटर आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जहाँ से इसमें पड़ेगा डीजल, बाकी पेट्रोल में जाएंगे तो उसके भी सेम वहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगी। एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते, आगे रहते डिस्क ब्रेक्स। अब आइए आपको दिखाते इसकी पूरी इधर से साइड प्रोफाइल, यहाँ पर कनेक्टेड बैकलाइट्स आपको मिलने वाली काफ़ी शानदार सी। कलर ऑप्शंस की बात करें तो अभी तो आप देख रहे हैं इसका क्रिएटिव ओशन कलर, जो आपको इसी वेरिएंट्स में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके लोअर वेरिएंट्स में आपको मिलेगा ग्रे, इसी के साथ व्हाइट ले लीजिए, देन अपग्रेड करेंगे तो टॉप में आपको फेयरलेस पर्पल रेड, ये काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, एंड एक आपको मिलेगा डेटोना ग्रे, एक मिलता है प्योर ग्रे कलर। तो इस तरह के काफ़ी ढेर सारे कलर ऑप्शंस आपको मिलने वाले इस टाटा नेक्सॉन के साथ। अब बस्ती इसकी बैक प्रोफाइल, आइए आपको दिखाते पास से। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इसमें मिलेंगे आपको कनेक्टेड यहाँ पर बैक लाइट्स, टाटा का लोगो यहाँ पे दिया गया, जस्ट उसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा, यहाँ पे देखेंगे नेक्सॉन की आपको मिलती बैजिंग, ये पूरा रहेंगी LED बैकलाइट्स। इंडिकेटर्स की बात करें तो ये यहाँ पे रहने वाले इसी में, इस वेरिएंट में कोई भी आपको डिफॉगर नहीं मिलेगा, बट रियर वाइपर नहीं दिख रहा ना, बट ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, रियर वाइपर आपको मिलता है अंदर की तरफ यहाँ पे छिपा के, जो स्पॉइलर के नीचे यहाँ पे छिपा दिया गया है, यहाँ पे स्पॉइलर हो जाएगा, शाफ्ट एंटीना, एंड ये रहेगी इसके यहाँ पे रूफ रेल्स। रिफ्लेक्टर्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे भाई साहब रिफ्लेक्टर, रिवर्स लाइट वगैरह रहेगी, तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, डुअल टोन में इसका पूरा बम्पर, आगे की तरह पीछे भी आपको व्हाइट कलर की यहाँ पे रहेगी इसकी प्लेट।
एंड नीचे का इस तरह पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप आपको देखने को मिलता है इस कार का। इधर यहाँ पे रहेगी ये एग्जॉस्ट पाइप, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस तो एकदम बेहतरीन सा मिल ही जा रहा है इस सेगमेंट के हिसाब से। अब आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। ये सब तो भाई सब हो गया ना, अब बचता है सामान रखने की जगह। सो इस कार में आपको मिलता है 382 लीटर का बूट स्पेस, 382 लीटर का, जो इस सेगमेंट के हिसाब से एकदम बढ़िया सा मिलता है, जो 3XO वगैरह सभी गाड़ियों से आपको ज़्यादा मिलेगा चाहे वेन्यू हो। इस कार में पूरा अपना सामान वगैरह यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, बूट लाइट्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, हुक वगैरह भी मिलेगा जहाँ पे पन्नी थैली अपना कुछ भी सामान दोनों तरफ टांग सकते हैं। स्टेपनी वाला जो इसका टायर रहेगा ना वो आपको नीचे यहाँ पे प्लेस देखने को मिलेगा, ये रहा भाई इसका स्टील लिम। चेक इस तरह इसकी अगर प्रोफाइल की बात करें तो सेम यहाँ पे 16 इंचेस 16 इंचेस का देखने को मिलेगा नॉर्मल सा स्टील लिम। यहाँ पे सब जैक टूल पाना जो भी टूल किट रहेगी नीचे की तरफ आपको रखी हुई दिख जाएगी। सीट वगैरह हालांकि आपको पूरी यहाँ पे 100% फोल्डेबल मिलती है इस फ्रंट के साथ। पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसको अगर हटाना चाहें तो अपना हटा भी सकते हैं। और पीछे भी आपको मिलता है पे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, इन केस कहीं मान लीजिए आपका टायर वगैरह पंचर हो जाए तो इन्फ्लुएटर वगैरह लगा के यहाँ से अपना भैया हवा की सप्लाई वगैरह पीछे तक पूरा दे सकते हैं। तो ये आपने देखा इसका बोर्ड स्पेस। बहुत जल्दी इसमें आपको ICNG का भी ऑप्शन मिलेगा, जो भाई साहब टाटा ने ऑफिशियली बता दिया, लेकिन कब तक लॉन्च होगी उसकी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो आइए इसको यहाँ पर करते बंद, फिर चलेंगे कार के अंदर। तो अब बात करें अगर इस गाड़ी की डायमेंशन के बारे में, तो टाटा नेक्सॉन के साथ आपको इसमें मिलने वाली है 3995 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे लेंथ, 1804 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे विथ, एंड 1620 मिलीमीटर की इस गाड़ी की यहाँ पे इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। एंड व्हील बेस आपको इसमें मिलता है 2498 मिलीमीटर का। तो ये बात होगी इसकी पूरी डायमेंशन की। एंड सेफ्टी रेटिंग जैसा कि जानते हो वही सब फेमस है, इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप ने क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। अब आइए चलते कार के अंदर। सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे भाई साहब सेलिब्रेशन वाला बैच जो आपको टाटा की सभी कार्स में मिलता है। हैंडल वगैरह आपको चारों मिलेंगे यहाँ पे सेम बॉडी कलर। गाड़ी लॉक हो गई तो इसको अनलॉक करते हैं। सबसे पहले ये खुल गई इसकी डोर ट्रिम, ये देखो भाई साहब 3-टोन में आपको मिल जाती है। 3-टोन कैसे, वाइट कलर का इसका हैंडल रहेगा, बाकी थोड़ा क्रीम टाइप का कलर है, एंड ये रहेगी पूरी ब्लैक फिनिश। सो डोर में यहाँ पे देखेंगे डोर ओपनर वगैरह दिया गया, नीचे स्पीकर्स यहाँ पे देखेंगे तो बॉटल होल्डर की जगह रहेगी, एंड फॉर विंडो का कंट्रोल यहाँ पर रहेगा ऊपर की साइड। और सीट्स वगैरह इस फ्रंट के साथ सारी आपको फैब्रिक की यहाँ पे ऑफर की जा रही हैं अंदर बैठने के बाद। ये इसका बड़े सा पूरा डैशबोर्ड का यहाँ पे व्यू। पीछे वाले बंदों के लिए AC वेंट्स वगैरह आपको दिए गए, बट यहाँ पे एक वीक पॉइंट रहेगा कि आपको कोई भी यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट या USB का पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, 12 वोल्ट का जो सॉकेट रहेगा वो आपको मिलता है पीछे की तरफ, यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बैठने के बाद ये रहेगा इस गाड़ी का लेग रूम नी रूम वगैरह, इस तरह कुछ बैठेंगे दो बंदे आराम से, थर्ड पर्सन भी यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है, हल्का सा हब रहेगा यहाँ पे नाम मात्र। इस तरह बड़े से बैठिए, हेडरूम भी आपको सही से मिलेगा, ग्रैप हैंडल वहाँ पर दिया गया, एयरबैग्स की ब्रांडिंग प्लस में देख सकते हैं, 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं स्टैंडर्ड। हेडरेस्ट वगैरह ये आपको मिलते हैं यहाँ पे दोनों ही दिए जाएंगे एडजस्टेबल। आर्मिस्ट देखते हैं तो भाई साहब आर्मिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा इस फ्रेंड के साथ। सीट की क्वालिटी एकदम बड़े से रहने वाली है कुछ इस तरह, और यहाँ पे देखेंगे तो आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बात होगी इसकी सेकंड रो की, और अब चलते हैं आगे ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से पूरा कवर करते हैं इस कार को। तो आगे आते हैं, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दिया गया रिक्वेस्ट सेंसर। ये भैया खोली डोर, वही पीछे की तरह इसकी पूरी डोर, ऑल फोर यहाँ पे पाउंडर्स के कंट्रोल्स, डोर ओपनर क्रोम फिनिश में, यहाँ पे ORBM एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, नीचे स्पीकर्स, बॉटल की प्लेसमेंट, एंड यहाँ पर रहेगा इसमें अम्ब्रेला होल्डर, रिफ्लेक्टर्स लाइट वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सीट्स वगैरह ये देख लीजिए भैया इनकी पूरी क्वालिटी, एंड हाइट एडजस्टमेंट, सीट क्लाइंब दोनों ऑप्शन, नीचे जाएंगे इसका फ्लूइड ओपनर, मैनुअल ट्रांसमिशन के ABC पैडल, आगे का बोनेट खोलने का लीवर, एंड इस तरह पूरा इसका डैशबोर्ड का व्यू। चलिए बैठते गाड़ी के अंदर, फिर आपको दिखाते हैं इसका पूरा इंटीरियर। तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील आप इसके देखते हैं, जो आपको टू स्कोप इल्यूमिनेटेड लोगो वाली यहाँ पे देखने को मिलेगी, इधर टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट एंड वॉइस कमांड जैसे काफी सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। इधर जाएंगे तो यहाँ पे रहेगा क्रूज कंट्रोल, ये आपको बड़े सा डीकट यहाँ पे देखने को मिलेगी, कोई भी रैप वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। एडजस्टमेंट की अगर इसके बात करें, टेल्ड एडजस्टेबल यहाँ पे रहने वाली है, इसको करते हैं यहाँ पे फिक्स। इधर जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। क्लस्टर देखेंगे तो यहाँ पे काफी सारी चेकलाइट्स के साथ आपको देखने को मिलेगा, TPMS आपको मिलता है इधर, यहाँ पे इसका RPM मीटर। इधर जाएंगे तो नीचे फ्यूल गेज वाले सारे बार्स मिलेंगे, ऊपर देखेंगे यहाँ पे रहेगी टेम्परेचर वाली इन्फॉर्मेशन, बीच में आपको मिलेगी स्पीड वगैरह पूरी डिजिटल फॉर्म में। तो इसको अगर आपको देखना है यहाँ से प्रेस करते जाइए, ये देखिए ट्रिप भी अभी यहाँ पे दिखा रहा है, पास से दिखाएं तो इस तरह कुछ आपको देखने को मिलेगा, हालांकि फ्लैश ऑन है तो थोड़ा आपको ऐसा दिख रहा होगा, ट्रिप भी हो गया, यहाँ रेंज वगैरह दिखाई देगा, ऑडियो माइलेज ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका पूरा डिजिटल क्लस्टर। अब बात आती है इसके डैशबोर्ड की, ये देख लीजिए एकदम बड़े से लग रहा है ना पूरा,
एंड ब्लैक, एंड यहाँ पे थोड़ी आपको व्हाइट फिनिश दी गई, यहाँ पे ग्रे फिनिश, इस तरह कुछ आपको तीन टोन में देखने को मिलेगा। 10.25 इंचेस का यहाँ पे रहेगी, इसमें टच स्क्रीन, टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, हल्के से बेजल्स रहते हैं। टॉप मॉडल में आपको बेजललेस इसकी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें देखेंगे यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार पे, यूएसबी ऑक्स, ये सारे कुछ यहाँ पे कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे रहता है इस कार के साथ। तो टच पैनल वाले यहाँ पे नीचे सारे बटन मिलेंगे, यहाँ से भी आप इनको पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। फैन स्पीड घटाना हो, बढ़ाना हो, फ्लो चेंज करना हो, ये सारी चीज़ें। और इसको यहाँ पे बैक करते हैं, एंड इस यहाँ पे क्रिएटिव प्लस फ्रंट के साथ आपको मिलेगा 360 कैमरा। तो कैमरे की क्वालिटी देखो भाई साहब, इस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन सा, एकदम क्लियर आपको देखने को मिलता है, देख रहे ना, जो इस सेगमेंट की कोई भी भाई साहब कंपनी इतना आपको सॉलिड सा कैमरा नहीं देती जो इतना बढ़िया सा विजिबल हो। तो 3D व्यू यहाँ पे इसका देख सकते हैं, बाकी ऊपर से इस तरह पूरा दिखेगा, साइड से देखना हो तो इस तरह पूरा आप इसको देख सकते हैं, 2D में इस तरह पूरा रहेगा ये इसका रिवर्स गियर लगा के। कैमरा क्वालिटी नो डाउट एक नंबर की इसी के साथ। और देखते हैं भाई साहब क्या इसमें है। हाँ, एंड्रॉइड ऑटो हो गया, ड्राइव नेक्स्ट वगैरह हो गया, इमेजेस वगैरह हो गए। जब इसका आप इंडिकेटर देते हैं लेफ्ट वाला, तो इसका लेफ्ट वाला कैमरा ऑन हो जाएगा, राइट वाला देंगे इंडिकेटर तो यहाँ पर राइट वाला कैमरा हो जाएगा चालू। ये काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे सेफ्टी फीचर एज यहाँ पे मिल जाएगा इसके कैमरे के साथ। देन नीचे की तरफ यहाँ पे ब्लैक फिनिश में इसके एसी वेंट्स, ये पूरा टच पैनल वाला इसका यहाँ पे मिलेगा। क्लाइमेट कंट्रोल के यहाँ पे कंट्रोल्स ऊपर जाएंगे, 360 डिग्री कैमरा का शॉर्टकट बटन यहाँ पे दिया गया, इसको करेंगे बंद। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे, बूट अनलॉक का बटन, ये रहेगा हेजलाइट का स्विच। सारे टच रिस्पॉन्स वाले आपको यहाँ पे इसमें बटन देखने को मिल जाएंगे। नीचे रहेगा 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, टाइप ए टाइप सी दोनों यहाँ पर रहेंगे यूएसबी के पोर्ट्स, एंड ये इसका 6 स्पीड यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक डीसी में जाना चाहे तो उसका भी ऑप्शन आपको मिलेगा इस कार के साथ। तीन ड्राइव मोड्स आपको दिए जा रहे हैं, सिटी, इको, स्पोर्ट्स, बढ़िया सा लगा के गाड़ी को ड्राइव करिए। यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर्स देखने को मिलेंगे, देन इसी के साथ मैनुअल इसकी हैंड ब्रेक, डोल ट्रिम पूरी इसकी देख लीजिए। एयरबैग्स आपको 6 मिलते हैं इस गाड़ी के साथ जो रहने वाले स्टैंडर्ड, एक वहाँ पे रहेगा, दूसरा यहाँ पे रहेगा, देन दो आपको फ्रंट वाली सीट्स में एंड पिलर्स में भी आपको मिलेगी एयरबैग्स की यहाँ पे ब्रांडिंग। तो ये आपने देखा टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस फ्रंट का पूरा अंदर का। अब बात आती है इसके ग्लव बॉक्स की, तो इको अगर खोलें ये देख लीजिए, काफ़ी डीप आपको स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना ग्लास वगैरह लगा के कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं बड़े सा, इधर डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे रख लीजिए। तो इस तरह का आपको उसमें काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगा। इसको भी यहाँ पे करेंगे बंद, ऊपर की तरफ आएंगे, ऑटो डिमिंग आपको यहाँ पे IRVM भी देखने को मिलता है इस फ्रंट के साथ। बाकी रूफ लाइट यहाँ पे व्हाइट LED वाली आपको दी गई है, माइक वगैरह रहेगा, कोप संजय साइड वाला, एयरबैग ऑन है की ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन, ऑन ऑफ करना हो तो वहाँ पे रहता है ना, गेट खोलेंगे तो वहाँ पे की लगाने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं इधर वाला एयरबैग। सनवाइजर में इधर जाते हो तो वैनिटी मिरर, इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा टिकट होल्डर। तो ये बात होगी टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस एस फ्रंट के अंदर के इंटीरियर की। अब बसता है इसका बाहर का, यानी कि इंजन, स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स। तो अब क्या करते हैं भाई साहब, इग्निशन ऑफ करते हैं, चलते गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं फटाफट इसके इंजन स्पेक के बारे में, देन लास्ट में प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। चलिए चलते कार के बाहर। सो ये आपने सब देख लिया, अब खोलते सबसे पहले इसका बोनट, यहाँ से खुलेगा भाई साहब, इसको खोल देते हैं। तो इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, हालांकि अभी आपके सामने इसका पेस है 1.5 लीटर में टर्बो चार्ज यहाँ पे डीजल इंजन ऑप्शन। तो सबसे पहले खोल के दिखाते हैं, फिर बात करेंगे इसके पावर फिगर के बारे में। सो ये यहाँ पे इसका रहने वाला है 4 सिलेंडर में डीजल इंजन ऑप्शन, इस तरह पूरा देखेंगे इंजन के यहाँ पे प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। एम्बर यहाँ पे बैटरी आपको कंपनी ऑफर करती है, कूलेंट वगैरह यहाँ से डला लीजिए पूरा। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी इसके बोनट में, काफ़ी सॉलिड भारी सा यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि भाई साहब 5-star रेटिंग के साथ आती गाड़ी, तो यहाँ पे ना काफ़ी भारी भरकम आपको मिलेगा इसका पूरा बोनट। इसके पावर फिगर के बारे में, अगर आप इसका लेंगे 1.5 लीटर में टर्बो चार्ज डीजल इंजन ऑप्शन, तो इसमें आपको मिलने वाली है 113 BHP की पावर, 260 NM का टॉर्क, समथिंग विद 24 KM तक माइलेज आपको मिल जाता है इस डीजल फेरन के साथ। इसी के साथ अगर आप इसका जाएंगे 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑप्शन, तो वहाँ पे आपको मिलेगी 118 BHP की पावर, 170 NM का टॉर्क, वही 19 से 20 KM तक माइलेज इस कार के साथ। एंड अब फाइनली बात आती है इसकी कीमत की, अगर आप इसको परचेस करेंगे इस क्रिएटिव प्लस डीजल के साथ जो भी आपके सामने खड़ी हुई है, तो ये आपको पड़ेगी 13,30,000 एक्स रूम एंड 15,38,000 जाएगी ऑन रोड लखनऊ। यहीं पे अगर आप इसका क्रिएटिव प्लस लेंगे पेट्रोल में, तब आपको पड़नी वाली है 11,90,000 एक्स रूम एंड 13,78,000 जाएगी ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार के साथ ABS विद EBD, 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड रेगुलेटर सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन ब्लॉजर, क्रैश सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, जैसे आपको उसमें काफी ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं 5-star की सेफ्टी रेटिंग के साथ। सो यही था आज का हमारा वीडियो टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट पे। तो अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।